ओवरनाइट चने की दाल भीगी हुई, तकरीबन हाफ के जी, इतना पानी कि इसमें भीग जाए। कवर करके इसको बॉईल करेंगे। हम इसको बॉईल करेंगे मीडियम हीट पर। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए, दाल का पानी ड्राई हो गया। दो ग्लास दूध, थोड़ी सी गली है अभी बाकी इसके अंदर, तकरीबन इसको और थोड़ा सा गला लेंगे। 15 मिनट्स हम इसको और देते हैं दरमियानी हीट पर। इतनी बॉईल करनी है कि इसका दूध थोड़ा कम हो जाए। थोड़ा मीडियम हीट पर हम इसको बॉईल कर लेते हैं। ड्राई हो गया है बहुत, थोड़ा सा इसमें जो है वो लिक्विड सा रह गया है। इसको अब हम जो है ना इस पॉइंट पर आकर इसको चॉप करेंगे। रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं पहले। इसको हम चॉप कर लेते हैं, सारा दूध इसने सोक कर लिया। घी ले लेते हैं 3/4 तक। ग्रेजुअली हम इसमें और भी ऐड करते जाएंगे। हमने अच्छी तरह से भूनना है इसका कलर चेंज होने तक। इसको कंटिन्यू ऑलमोस्ट हमें जो है तब तक पकाना है जब तक ये अच्छा सा भुन ना जाए और ये घी छोड़ने ना लग जाए और कलर भी चेंज ना हो जाए। ये तीन इसकी कंडीशंस हैं। आप ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन ये घी के साथ ही इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। नॉन स्टिक पैन लेंगे तो उसमें ज़रा ये जल्दी बन जाएगा और चिपकेगा नहीं, आपका हाथ भी नहीं जलेगा, पतीली भी नहीं जलेगी। नॉन स्टिक पैन ज़्यादा बेस्ट है इसके लिए। वैसे हलवा जो है वो कढ़ाइयों में ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। इकट्ठा होना शुरू हो गया। मैं ऑलमोस्ट 1/3 कप ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा घी और डालेंगे इसमें, शुगर डालने की वजह से थोड़ा सॉफ्ट हो गया मज़ीद। तकरीबन मुझे 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए इसको भूनते हुए। थोड़ी सी शुगर हम और ऐड करेंगे, थोड़ा सा खेवरा वाटर 1 टीस्पून, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया। देखिए अब हम इसको बस ये रेडी टू सर्व है ऑलमोस्ट। हाफ एन आवर हो गया मुझे इसको जो है बनाते हुए, फोल्ड करते हुए। इनफ है ये, इसको मैं कवर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए और चूल्हा कर देती हूँ बंद। हीट पे थोड़ा सा बटर लगा के, घी लगा के
ये हलवा हमारा रेडी है। ये कतलियाँ अभी हम इसकी काटेंगे और इसके स्लाइसेस बना के फिर आपको थोड़ी देर के बाद दिखा। जो है सेट हो चुका है, इसको हम निकालते हैं। और अगर आपने इसको सॉफ्ट रखना है तो आप जो है ऑयल ऑयल में जो है ना ऑयल डाल डाल के इसको थोड़ा सा और भून लें, ठीक है। घी जो है वो जमा देता है, तो ऑयल में आप इसको अच्छा सा भून लें मज़ीद, और अच्छा ऑयल डालें तकरीबन आधा कप जितना, और आप इसको दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल हलवे की सूरत में और एक स्लाइस की सूरत में। ये सॉफ्ट सा हलवा हमारा रेडी हो गया। ये सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।